देखिए दोस्तों, आज मैं बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आई हूँ। बहुत अच्छी है, आप लोग खुश हो जाओगे सुनकर। और जो बहुत ही अच्छी नई नई अपडेट ला रही है यूट्यूब, बहुत अच्छी जानकारी लेके आई हूँ। अब हमको 4000 घंटे नहीं चाहिए, 2000 ही घंटे का बहुत अच्छी खुशखबरी है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि कहीं जैसा किसी भी डॉक्टरी की डिग्री है और वह यूट्यूब पर डालता है तो ये उसके जीवन के लिए 2000 घंटे ही कर रही है। किसी किसी वीडियो के लिए, किसी किसी लोगों के लिए 2000 घंटे कर दिए गए हैं। जैसे कि हेल्थ से कोई खिलवाड़ ना कर पाए, गलत वीडियो ना डाल पाए, जैसे कि कोई कोई अपने वीडियो व्यू बनाने के लिए कुछ भी दवाइयाँ डाल देते हैं और वह जो खाते हैं तो उनके शरीर में बहुत नुकसान होता है। जैसे कि कैंसर तक की गलत दवाइयाँ दी जाती हैं क्योंकि यूट्यूब पर देखकर हर लोग सर्च करते हैं और यूट्यूब पर विश्वास कर दवाइयाँ खा लेते हैं। जैसे कि किसी को फीवर आया है तो उसने यूट्यूब पर देखा है और उसने वो दवाई खा ली है तो उसके शरीर के साथ नुकसान भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर यूट्यूब ने ये सुविधा दी है डॉक्टरों को कि जो सर्टिफिकेट है डॉक्टरों का और वो डॉक्टर हैं और वो वीडियो बना रहे हैं, सही जानकारी दे रहे हैं, तो उनके लिए 4000 घंटे नहीं सिर्फ 2000 घंटे में यूट्यूब मोनिटाइजर कर देगा। और सबके लिए ये अपडेट नहीं है पर ये डॉक्टरों के लिए है जो कि सही जानकारी दें, जिससे कि बीमारों को अपनी सही जानकारी मिल जाए, उसके अच्छी फायदा मिल जाए। जैसे कि उंगली कटी हुई तो उसके उसने वीडियो डाला है तो उसके उंगली में सही घाव भर जाए, इससे यूट्यूबर उससे बात भी कर सकता है, रूबर उससे बात भी कर सकता है कि इसकी लगा उसकी डॉक्टर की सलाह के अनुसार बात कर, अगर उसकी मर्जी है तो वह बात कर सकता है। उसका फ़ोन नंबर भी देगा यूट्यूब। इसलिए ये सुविधाएँ दी गई हैं कि क्योंकि कोई मरीज के लिए कोई गलत दवा ना खा ले, कोई शरीर के लिए कोई नुकसान ना हो, इसलिए यूट्यूब ने जो बहुत अच्छी जानकारी दी है। ये अभी किसी किसी देशों में ये तो पहले से ही लागू था, अपने भारत में ये अभी लागू किया गया है। यूट्यूबर को बहुत अच्छी जानकारी मिल गई है। अब 4000 घंटे नहीं चाहिए, सिर्फ 2000 ही घंटे चाहिए। मगर ये बहुत बड़ा भेदभाव कर रहा है यूट्यूब, किसी के लिए तो 4000 घंटे चाहिए, किसी के लिए कम कर रही है। इन्हें यूट्यूब को मैं सलाह देती हूँ कि सीनियर सिटीजन के लिए भी कुछ सुविधाएँ देना चाहिए, जिससे कि वह भी अपनी कुछ ना कुछ जानकारी अच्छी से डाल सके, क्योंकि उनकी उम्र के अनुसार भी जानकारियाँ जो रहती हैं वो बहुत अनुभव वाली रहती हैं। और क्योंकि उम्र में के अनुसार उनने बहुत कुछ सीखा होता है तो इसलिए उनको ये करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छी जानकारी है। यूट्यूब तो नई नई अपडेट ला ही रहा है और वे सभी के लिए बहुत अच्छी जानकारी दें आ रही है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आगे बढ़ाइए। बाय, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।